वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और रेणुका फैमिली ब्लॉग में स्वागत है सभी का। और आज था सोमवार, तो बस मंदिर वो आई हूँ, पूजा पाठ वगैरह सब काम हो गया है। ये बनाया है बच्चों के लिए ठंडा ठंडा रुआबजा पानी, बच्चे अब पियेंगे रुआबजा पानी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे पापा जी लेके आए हैं सब्जी, अब इनको खोल लूँगी, देखो क्या क्या है इनमें। और ये है कुछ घर का रसोई का सामान जो ख़त्म हो रहा था, वो लेकर आई हूँ। और ये बच्चों ने बनाया है पोहा, क्योंकि पोहे अब ख़त्म हो रहे थे तो सुबह नाश्ता बन नहीं पाता था, इसलिए पोहे मंगवाए हैं इन्होंने अपने नाना से कह के। और यहाँ मैं जचा रही हूँ, सारी सब्जियाँ मैंने खोल खोल के रख दी थी, खीरे थे, ग्वार की फली थी जो होती है अच्छी लगती है इस टाइम पे मौसम में, आलू और ग्वार की फली, तो पापा जी वो लेके आए थे। और फिर इसमें था पिट्ठा जो कि कोड़ा, हमारे यहाँ पे तो कोड़ा ही बोलते हैं, वो लेके आए थे, तो छोटा ही लेके आए थे क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं, मेरा फर्स्ट था और मम्मी पापा ही थे। और बच्चों के लिए फेवरेट सब्जी लेके आए थे आलू, इन्होंने आलू ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये सैंडविच बनवाते हैं तो उसमें भी आलू यूज होते हैं और सब्जी में भी आलू ही, तो इसलिए पापा जी आलू की सब्ज़ी ज़्यादा लेके आए थे। ये मैंने सारी निकाल दी हैं, अब इनको धोऊँ पहले रसोई का बाकी का सामान और डाल देती हूँ डिब्बों में, उसके बाद धोऊँगी इसको, फिर धो के सूखने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर ये पापा लेके आए थे खांड, क्योंकि कई बार पानी वगैरह भी जल्दी में बनाना पड़ता है तो उसमें भी डालनी पड़ती थी, तो खांड सारी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने बोला था पापा से कि बाजार जाओ तो लेके आना, तो वो भी मैंने एक डिब्बे में डाल के रख दी थी ये सारे डिब्बे साथ के साथ जचा दूँगी, इसके बाद फिर रसोई साफ़ हो जाएगी। ये था बादाम का डिब्बा, फिर मैंने निकाला बूरा का डिब्बा, इसमें डाल लूँगी बूरा, क्योंकि चावल वगैरह बनाए थे तो बच्चों ने बूरा के साथ ही खाते हैं बच्चे, इसलिए मंगवाई थी बूरा भी, थोड़ी बची हुई थी डिब्बों में, इनका ख़त्म होने से पहले मंगवा लेते हैं क्योंकि पापा जी की फर्स्ट ड्यूटी है तो फिर सामान नहीं आ पाता। और कल था संडे, छुट्टी थी इसलिए कल ही ले आए थे पापा जी जो सामान लाना था वो। फिर मैंने ये सारे डिब्बे जचा दिए थे, जो जो बड़े डिब्बे थे वो नीचे वाले रैक में रख दिए थे, वो छोटे थे वो साइड वाले दूसरे खिड़की में रख दिए। अभी इसमें रखे थे ये दाल, तो इसमें छोटा वाला दाल था, इसमें मैंने बड़े वाले डिब्बे की दाल भी इसी में डाल के और दाल को मिक्स कर दिया था, मिक्स करके उसके बाद फिर वापस उसी डिब्बे में बड़े वाले में डाल दी थी मैंने, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और फिर बड़ा वाला डिब्बा है जो भर के रख दिया था, क्योंकि शाम के टाइम बच्चे भी बाहर खेलने चले गए थे प्लाट में मम्मी के साथ, तो फिर सोचा पहले ये काम निपटा दूँ, रसोई का काम हो जाएगा फिर मम्मी आके खाना बना लेगी, तब तक सारे डिब्बे जचा के अलमारी कर दी थी बंद। अब मैं एक डिब्बा और ढूंढ रही थी छोटा, जिसमें मेरे को रिताना था जीरा का पैकेट, तो नीचे कोई डिब्बा खाली नहीं मिला था, मैं ऊपर देख रही थी लेकिन ऊपर के में भी नहीं मिला। फिर एक डिब्बा था मम्मी की दवाई वगैरह जो कुछ बना रखी थी वो दवाई इस डिब्बे में चेंज कर दी, और दवाई भी क्या है इसमें है मिश्री और सौंफ पीस रखी थी मम्मी ने, तो उसको खाली करके मैंने उसमें डाल दिया जीरा, क्योंकि जीरा का पैकेट फिर बाहर धरा रहता काफ़ी दिन तक, तो इसलिए सारा जचा दिया था, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि रसोई का सारा सामान सेट कर देना, कभी मैं इधर उधर फिर ढूंढती रहूं बाद में। और ये है आज सुबह की, आज सोमवार था तो मैंने सुबह काम करके फिर मैं गई थी मंदिर, आज मम्मी जी तो गई नहीं थी,
मम्मी जी घर पे रह गई थी, मैं गई थी क्योंकि मेरा फर्स्ट था, इसलिए मैं गई थी वापस। शिव जी का मंदिर ये पास में है, इसी मंदिर में जाते हैं क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था ये बहुत पुराना मंदिर है हमारा। तो यहाँ पे कर रही हैं हम पूजा पाठ, और भी औरतें हैं जो गांव की हैं, सभी का काम इसी टाइम पे ख़त्म होता है क्योंकि घर का काम सभी का होता है, रसोई का, घर का, तो सभी काम ख़त्म करके ही जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है वहाँ पे भी, तो इसलिए वो भी कर रही थी पूजा और हम भी कर रहे थे। गए फिर हम ज्योत बत्ती करके आ गए थे घर वापस।